हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगेडी एंड वेलकम टू येट अनादर सेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स सीरीज का आई थिंक ये सेवन्थ या एथ सेशन हमारा होगा हमने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं तो ये आपका टेस्ट एंड रिविजन समझ लीजिए और कुछ इम्पॉटेंट करंट अफेयर्स जो हमने अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ जितने भी सेशन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के करे हैं वो देख कर जाना कल डी यू एल एल बी वालों का एग्जाम है बी एच ए बी एच यू बी एल एल बी वालों का है सीटी वालों का आने वाला है तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको टेक इट एज अ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करवा रही हूँ बात नहीं कोई भी डरेगा नहीं मैंने जो मोटिवेशन वाली वीडियोस करी है वो देखो एंड गाई अब कर कर करोगे क्या पता है एक तो होता है ना फियर से हमारा बेनिफिट होने वाला है नहीं कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला पहले तो मैं आपको कहती हूँ फियर को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लो अब तो फियर रखना ही नहीं है अगर डरोगे ना तो कुछ गलत कर, कर आओगे अपने आप को बोला यार ठीक है जितना आता है उतना अच्छे से करके आएंगे राइट कुछ नहीं होने वाला नहीं होगा ना तो कोई और चीज कर लेंगे जिंदगी में राइट right? डरना नहीं है बस कल स्ट्रॉन्ग होकर पेपर देकर आना है, सिंपल राइट right? चलो चलते हैं ये छोटा सा सेशन करेंगे सो दैट हमारी बातचीत भी हो जाए और आपका थोड़ा लाइट मूड हो जाए पढ़ते पढ़ते राइट right? स्टार्ट करें चलो इन द लेट्स बिगिन इन दार्ट सेक्शन एवरीबॉडी लेट्स बिगिन चलिए स्टार्ट करते हैं yeah guys welcome to logiri i hope you have subscribed to logiri's youtube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos and i hope you're following us on instagram we're there by the name at i am Loggiri. we do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy if you want to stay motivated and if you want to stay connected

राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स डब्ल्यू जी आई ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट चलिए जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर इन द चार्ट सेक्शन एवरीबॉडी आई नीड द आंसर चलो बच्चों इसका आंसर है ए फोर्टींथ है हमारा रैंक rank. ये रैंक और ये सब कुछ आपके डी यू बी एच यू महाराष्ट्र सी डी एम एच सी डी तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी रूलेट के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया वो क्या करेंगे आज प्लस फोर राइट आगे चलते हैं एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ज्वेलर्स अक्रॉस इंडिया विल नाउ बी अलाउड टू सेल गोल्ड आइटम्स ओनली ऑफ ओनली 14, 18 एंड डैश कैरेट फ्रॉम फिफ्टींथ जून 2021 ये बहुत न्यूज़ में रहा था इसका आंसर क्या है ए बी सी डी 24, 22, 23, 21 अच्छा बचाबाड़ी इसका आंसर है बी ट्वेंटी टू इसका आंसर है बी फिल फिलहाल में क्या आएगा ट्वेंटी टू प्लस फोर कर लीजिए जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड व्हिच इंडियन एज वन ऑफ है टेन एस डी जी पाइन टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी डी यू के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका सुमंत सिन्हा इसका आंसर है सुमंत सिन्हा प्लस फोर कर लीजिए इफ यू आंसर

सी प्लस फोर करेंगे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है राइट right? बाकी सारे क्या करेंगे नोट्स बना लेंगे कोई बात नहीं अगर नहीं आता तो नोट्स बनाकर याद कर जाएंगे नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द यू ए फॉर द स्पेस प्रोग्राम डी यू के लिए अगेन इंपॉर्टेंट डी यू वालों के लिए जो फर्स्ट वुमेन करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है या फर्स्ट इंडियन करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वर्ल्ड में कुछ फर्स्ट फीमेल करती है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है नोरा अल मथरोशी राइट मतरो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम प्लस फोर कर लीजिए अगर आपको आंसर पता था राइट right? 3000 थाउजेंड ईय लॉस्ट सिटी हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री तीन हजार साल पुराना कहां पर मिला है सिटी स्पेन फ्रांस नाइजीरिया इजिप्ट जल्दी से इन द चार्ट सेक्शन ए बी सी डी क्या है इसका आंसर बता दीजिए फटाफट फड़ से इसका आंसर है डी बच्चों इसका आंसर है इजिप्ट इसका आंसर क्या है इजिप्ट ओके okay, चलिए आगे चलते हैं मूविंग ऑन विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है बताइए जल्दी से इंडिया श्रीलंका जापान ब्रूने बताइए इसका आंसर बच्चों है डी इसका आंसर है बच्चों डी ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एंड जिसने करेक्ट आंसर दिया वो क्या कर लेगा प्लस फोर राइट चलिए आगे चलते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लाडम्यर

आंसर इज नासा प्लस फोर कर लीजिए इफ यू गेव करेक्ट आंसर फर्स्ट एनिमल वैक्सीन वायरस है इंडिया ब्रिटेन रशिया चाइना किस कंट्री ने किया अगेन इट वॉज इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर है इन द चार्ट सेक्शन जल्दी से बता दो इसका आंसर इसका आंसर है सी रशिया रशिया ने किया है रशिया इसका आंसर है रशिया

गिव द राइट आंसर प्लस फोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमारा क्या एग्जाम है बी एच यू बी एल एल बी एंड डी यू एंड वहाँ पे अगर सही आंसर दोगे तो कितने नंबर मिलेंगे फोर मार्क्स तभी आज फोर मार्क्स राइट चलिए आगे चलते हैं

तो इन द चार्ट सेक्शन एवरी वन इसका आंसर चाहिए मुझे इसका आंसर है ए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू एफ पी भी जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट नोबल पीस प्राइज अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना तो ये पढ़ जाओ नोबल पीस प्राइज किस किसने जीते हैं ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट

इसका आंसर क्या है ट्वेंटी फोर वीक्स चलिए नेक्स्ट पर अब वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या है इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ चलिए इसका आंसर बताइए इसका आंसर है सी वन फोर्टी सेकेंड रैंक है इंडिया का चलिए नेक्स्ट Which of the following organization has published the report State of World Population Report 2021 titled My Body Is My Own UNICEF, UNDP, WHO, United Nations Population Fund. In the chat section, everyone jaldi se. answer is the United Nations Population Fund published again important plus four if you नो द आंसर नेक्स्ट बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च प्लीज डी यू वालो अगर नहीं आंसर पता इसका आंसर पता होना चाहिए उनके लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पूनम गुप्ता है इसका आंसर पूनम गुप्ता हमारी कोई ना कोई आंटी फ्रेंड किसी का किसी ना का नाम पूनम जरूर होता है ठीक है ना तो ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जर्नल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसी आर बी एन सी ए आर बी जिसे कहते हैं प्लस फोर इफ यू न्यू द आंसर अगर नहीं पता था नोट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हैज़ वन द रात पोन्स फोलियो प्राइज फॉर हर मेमोय इन द ड्रीम हाउस इन द ड्रीम हाउस आंसर इसका है ए आंसर इसका है ए e, नेक्स्ट ने 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 पर Which state has celebrated the 100th anniversary of Mahatma Gandhi's first ever visit to the state on 23rd March is answer is C Odisha

इसका आंसर है बी रशिया स्पुतनिक फाइव कौन सी कंट्री की वैक्सीन है रशिया की वैक्सीन है प्लस फोर बहुत इजी आंसर था नेक्स्ट चलते हैं बिलीव इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बुक्स और स्पोर्ट्स जब कॉमन हो जाए तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बताइए इसका आंसर क्या है सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड सुरेश रायना एम एस ध्वनी इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों है सुरेश टेलीस्कोप हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट कौन सी स्टेट में इंस्टॉल किया गया है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब लद्दाख कहाँ पे जल्दी से इन द इन द चैट सेक्शन एवरीवन जल्दी से आंसर चाहिए ए बी सी डी क्या है आंसर जल्दी से इसका आंसर बच्चों है बी उत्तराखंड इसका आंसर है बी उत्तराखंड ओके okay. चलिए नेक्स्ट ने पर हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर इन दर्ल्ड सेवन थाउजेंड रन इन वन डे इंटरनेशनल मैच कौन सी है वो एन इंडियन बहुत ही फेमस इंडियन वुमेन क्रिकेटर है बताइए नाम जल्दी इन द चैट सेक्शन आंसर इज मिथाली राज मिथाली राज ओके चलिए नेक्स्ट पर प्लस फोर इफ यू आंसर

हु इज द ऑर् ऑफ द बुक दिग हु इज द ऑर्डर ऑफ द बुक क्रिसमिस पिग इसका आंसर है जेके रावलिंग इसका आंसर क्या है मेरे प्यार बच्चों जेके रावलिंग चलिए प्लस फोर अगर आंसर आपको पता था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से अशोक दलवाई कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है रिसेंटली चलिए बताइए इसका आंसर क्या है नॉन परफॉर्मिंग एस एस रीजनल कनेक्टिविटी डबलिंग फार्मर्स इनकम डाटा प्रोटेक्शन जल्दी बताइए मीन बाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर द सेशन कॉमेंट कॉमेंट की स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ ठीक है एंड शेयर द सेशन एवरीबॉडी राइट एंड आई होप जिनका डी का पेपर है उन्होंने हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो देख ली है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है बी वालों ने भी देख ली है हाउ टू कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से कर कर आना मैम बीमार है तो क्या हुआ हम अच्छे से पढ़ेंगे राइट right, हम अच्छे से कॉन्फिडेंटली पेपर दे के आएंगे चलो इसका आंसर है डबलिंग फार्मर्स इनकम इसका आंसर है सी डब्लिंग फार्मर्स इनकम next is a purva chandra committee was appointed to examine the existing policy regarding financial inclusion, look into the faster resolution of stressed assets, conduct a comprehensive review of the rdo, review the defence procurement procedure. abcd in the chat section, what is the answer? is cancer review the defence procurement procedure. answer is dpp. important. ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं विच इंडियन अमेरिकन टू कोवर एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी आफ्टर द पेंटिगन क्रिएटेड द पोजिशन इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर मेरे प्यार बच्चों है डॉक्टर राज अयर डॉक्टर राज अयर इसका आंसर है ये प्लस वो कर लीजिए ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बताइए जी घोष हफ्सा माओया सुदान करीम खान इन द चार्ट सेक्शन एवरीबॉडी करीम खान है इसका आंसर इसका आंसर है करीम खान आंसर इज D aage. What is the rank of India in terms of FDI inflows in 2020 according to World Investment Report 2021 released by UNCTAD? 1st, 2nd, 4th, or 5th. ABCD in the chat section, everybody.

ओके याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट ओके चलिए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स मनी इन स्विस बैंक फिफ्टी नाइन जल्दी से बता दो इसका आंसर इसका आंसर है बी फिफ्टी फर्स्ट इसका आंसर है बी फिफ्टी फर्स्ट राइट चलिए आगे वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आई एम डी वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसका आंसर अच्छा है फोर्टी अर्थ फोर्टी फर्स्ट फोर्टी सेकंड फोर्टी थर्ड बता दीजिए फोर्टी थर्ड इसका आंसर अच्छा है फोर्टी थर्ड ओके अब नेम द इंडियन हु वॉज नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आई एम एफ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप मॉन्टेक सिंह अहवालिया मनमोहन सिंह अमित शाह नरेंद्र मोदी आई थिंक ये दो ऑप्शन तो बहुत ईजिली हम क्रॉस आउट कर सकते हैं इन दोनों में कन्फ्यूजन होनी चाहिए तभी मैं कहती हूँ एलिमिनेशन एलिमिनेशन जहाँ पे एलिमिनेशन से आंसर दे सकते हो वो करो सो दैट कन्फ्यूजन खत्म हो जाए पर जहाँ पे मतलब एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें तो पता होता है क्या यही आंसर है मतलब यही हो सकता है और कुछ नहीं इसी बात पे बच्चों लाइक सब्सक्राइब एंड एंड शेयर शेयर लाइक सब्सक्राइब चलिए जल्दी से इसका आंसर है ए सिंह वालिया अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन मेरे प्यारे बच्चों जिनका एग्जाम कल है डीयू वाले बच्चे और बीएचयू एच यू वाले बच्चे डरना बिल्कुल भी नहीं है हमें डर तो लगता ही नहीं है वी हैव टू बी स्ट्रांग हमें बिल्कुल स्ट्रांग होकर एग्जाम देकर आना है अभी डर कर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चों अगर आप अभी डरोगे ना तो आप अपना एग्ज़ाम खराब करोगे ठीक तो वो हो ही नहीं सकता अगर डर गए तो अपना जो फियर है वो ओवरकम करना है फियर ओवरकम कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने आप को सिर्फ एक ही वाइब देनी है कि आई एल गिव माई हंड्रेड मैं बेस्ट अभी क्या कर सकती हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है उसको अगर आप बिल्कुल पायस रहोगे ना शांत रहोगे मेडिटेशन करो मेडिटेट करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आ पाओगे इसको यू शुड बी एक्साइटेड फॉर द एग्जाम नॉट वरिड एट ऑल नहीं होगा यार एग्जाम क्लियर कुछ और कर लेंगे ठीक है ना बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं लॉयर बनना है तो कहीं ना कहीं बन जाएंगे अभी ये मत सोचो नहीं होगा तो क्या होगा देकर तो आओ एग्जाम कुछ ना कुछ तो हो जाएगा राइट right. समझ में आ गया डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों नो no वन अगर आप एक ट्रू हो ना अगर आप दीदी का कहा मानते हो जो कि मुझे पता है बहुत बच्चे मानते हैं डरना नहीं है बिल्कुल भी राइट right? बिल्कुल भी नहीं डरना स्ट्रांग रहना है अपने आप को यही देना है बहुत आराम से शांत मतलब एक कोने में घर में बैठ जाओ शांत रहो एंड अपनी प्रॉब्लम्स जिसको भी आप मानते हो मैं भगवान को मानती हूँ अपने भगवान को प्रॉब्लम दे देनी है और क्या कहना है कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए ठीक है ना यही बोला हमने मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए ठीक है सो दैट इट फॉर टुडेज सेशन आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा अगर सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पे भी हिट कर देना दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन साइनिंग ऑफ सी यू सुपर बाय एंड टेक केयर बाय